नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स डेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 17-18 फरवरी को आपकी एग्जाम्स कंडक्ट हुई थी, लेकिन पेपर लीक के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर को निरस्त कर दिया था और आपकी जो एग्जाम्स है उसको पुनः आयोजन करवाने के निर्देश दे दिए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो क्या सही में डिक्लेयर हो चुकी है, परीक्षा केंद्र बनवाने यहाँ पे क्या शुरू हो चुके हैं, क्या है पूरा मामला आज के इस वीडियो में अपन सारी की सारी अपडेट देखने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल पर अगर आप रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रियल अपडेट ऑथेंटिकेशन अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यहाँ से आप देख सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नई तारीख का ऐलान जल्द ही यहाँ पर आपका हो सकता है। नीचे मामला क्या है वो अपने यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यूपीपीबी जल्द ही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा का जो दोबारा जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है। हालांकि परीक्षा भर्ती बोर्ड ने यही बताया है कि जून के अंदर आपके यहाँ पे एग्ज़ाम्स हो सकती है, क्योंकि 17-18 फरवरी को जो एग्ज़ाम्स हुई थी उसको योगी सरकार ने रद्द कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 6 महीने के भीतर यानी कि अगस्त से पहले आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगी। अब सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपके 4 जून को यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट होंगे, यानी कि 4 जून से पहले आपकी एग्ज़ाम्स होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आप सभी को पता है कि लोकसभा इलेक्शन है, आचार संहिता लगी हुई है, एग्ज़ाम्स यहाँ पे आपकी नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से 4 जून से पहले आपका एग्ज़ाम्स नहीं होगा। एक अपडेट यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि माना जा रहा है कि 25 जून तक परीक्षाएँ कराई जा सकती हैं, यानी कि जून के एंड में आपको परीक्षा करवाई जा सकती है, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम डेट को लेकर के अपडेट देखने को मिल जाएगा। जस्ट 15 से 20 दिन के बाद में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम डेट शुरू हो जाएंगी। हालांकि आपकी 1 या 2 या 3 दिन तक आपके एग्ज़ाम्स लेंगी, 3 या 2 दिन के अंदर आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा ली जाएंगी। ठीक है, लेकिन मेनली जो फोकस है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि फरवरी में 60,244 रिक्तियों के लिए 47 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दी थी। हालांकि 24 फरवरी को रद्द कर दी गई थी ये परीक्षा। पुलिस कांस्टेबल चयन प्रक्रिया के अनुसार लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इसके अलावा जो फिजिकल है मेडिकल वो यहाँ पे करने होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो अपडेट है वो है कि 4 जून से पहले आपका एग्ज़ाम्स नहीं होगा। आप तैयारी में लग जाइए, आपके पास में अप्रैल बचा हुआ है आधा, उसके बाद में आपका मई है और जून के अंदर आपके एग्ज़ाम्स होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास में 2 महीने का समय है। अगर आप 2 महीने में बढ़िया तैयारी कर लेते हैं तो आपको आने वाले दिनों के अंदर किसी भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं परीक्षा के अंदर हैं वो भी यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं कि कौन कौन से सेंटर पे आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई जाएँ। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप बेझिझक होकर नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें पूछ भी सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।